to terms like all you. Hello guys, welcome to my new vlog. आज हम लोग सुखवा के जा रहे हैं, तो अभी मैं रेडी होकर मेट्रो से जाने वाला हूँ और उसके बाद से फिर मैं मेट्रो से जाऊँगा सुखवा के और वहाँ पे मेरा दोस्त मिलेगा। तो अभी मैं यूँ न चाहिए, देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है और कहाँ कहाँ घूमते हैं हम लोग और क्या क्या अच्छी चीज़ें वहाँ पे, वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो अब बने रहे मेरे साथ मेरे वीडियो में और अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए। तो हम ठीक है थोड़े जा रहे, देखिए कैसा रहता है सीन। चलिए वहाँ पहुँच गए। मैं मेट्रो में आ गया हूँ और यहाँ पे थोड़ी देर में बैठ के वेट करूँगा और मोस्टली 2 मिनट में ट्रेन आती रहती है, तो ट्रेन आएगी तो फिर मैं बैठ जाऊँगा आराम से। और ट्रेन यहाँ पे बहुत तेज चलती है। तो फाइनली हम सुखवा के पहुंच गए और ये जो मस्जिद है ये स्पाइरल मस्जिद के नाम से जाना जाता है। और देख सकते हैं ये बैकग्राउंड में कितनी अच्छी अच्छी लोकेशन है, यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स है सारे पुराने हैं। इसमें कुछ ऐसी बिल्डिंग है जिसको तोड़ के फिर से पुराने की तरह बनाया गया है और यहाँ पर पूरे लोग बैठते रहते हैं हमेशा शाम में, तो और बेहतरीन लगता है यहाँ पर। तो चलिए हम अंदर जाते हैं और देखते हैं अंदर का सीन कैसा रहता है सुखवा के। जब अंदर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी लाइटिंग, वहाँ पे डाइनिंग और वहाँ पे शीशे से बहुत सारे रहते हैं और पूरे लाइटिंग इतनी लगी रहती है ना, आप क्या ही बताएं, इतनी खूबसूरत लगती है ना। और यहाँ पर सारे फॉरेनर आते रहते हैं, इधर घूमते रहते हैं, यहाँ से कुछ मार्केटिंग करते हैं। और जब भी आना हो ना तो आप लोग शाम में आए, क्योंकि शाम में और खूबसूरत दिखता है और गर्मी बहुत कम होती है। और ये मेरा दोस्त साबिर है और ये मुर्शीद है। तो हम लोग सब आदमी आए हैं इधर घूमने के लिए, देखते हैं और क्या क्या इधर दिखता है हम लोगों को। तो अब हम लोग आर्ट गैलरी में आ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी पेंटिंग है ना इतनी बेहतरीन है और सबका प्राइस अलग अलग रहता है और यहाँ पे बताया भी गया है कौन कब पेंट करके गया है, जो आर्ट डिज़ाइन किया हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग हुई है, ये पूरे पुराने ज़माने का सुखवा का जो स्पाइरल मस्क है वो है। और ये पूरा कॉर्निस का फोटोज दिख रहा है और यहाँ पे जो पुराने चीज़ है ना उन सब का पेंटिंग रहता है। आप देख सकते हो कितनी मस्त कारीगरी की गई है यहाँ पे और ये देखने में इतना अच्छा लगता है, आप देखोगे तो बोलोगे वाह व्हाट एन आर्ट। और आपको भी अगर पसंद हो पेंटिंग करना या कोई डिज़ाइन बनाना तो आप ज़रूर यहाँ पे आए, यहाँ पे आप बैठ के पेंटिंग कर सकते हो। और पूरे वर्ल्ड का लोग आते हैं यहाँ पे और अपना अपना कारीगरी दिखाते हैं।
look the other way. Sun is out, but the sky is gray. तो आप देख सकते हैं ये बाहर का सीन है और यहाँ पे पूरा डाइनिंग लग चुका है। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लोग हैं और पूरे शीशे पूरे पीते रहते हैं। तो चलिए आगे हम और दिखाते हैं आप लोगों को और यहाँ पे एंटीक पीसेस दिखाएंगे आप लोगों को। तो अब हम लोग और अंदर जा रहे हैं और जितने भी एंटीक पीसेस हैं इधर छोटी छोटी एंटीक जो भी चीज़ें हैं हम आपको उसको वन बाय वन करके पूरा दिखाते हैं हम आपको। तो देख सकते हैं यहाँ पे पूरा कितनी अच्छी अच्छी कारीगरी करके यहाँ पे ये बनाया गया है। इधर ऊंट कितने प्यारे प्यारे दिख रहे इधर। वाओ दैट्स अमेजिंग। और अंदर चलते हैं और दिखाते हैं जो 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 एंटीक पीसेस है ना उधर पूरे पूरे रहते हैं इधर। तो हम आपको वन बाय वन कर करके पूरे दिखाएंगे इधर, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा ये। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को बस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको अगला भी जो भी मैं वीडियो डालूँ आप देखो। मैं ऐसे ऐसी जगह पे जाता हूँ और वीडियो बनाता रहता हूँ, तो अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर दीजिए इसको। But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. अब अपना पैर देखें, जमीन पे रखने वाली चीज है तो सिर्फ मेरे सीने पे रख दो, बट आप रख नहीं सकते।
wish I knew. I think I'll chew it. Thank you.